लो, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह पे और मस्ती करेंगे वहाँ पे। फिलहाल मेरे दोस्त आ गए हैं, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और वहाँ पे जाके शूट करता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं उस जगह पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और आप सभी का स्वागत करता हूँ अनिल की मस्ती पे। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ मेरे दोस्तों के साथ अभी उड़ीसा के सबसे बड़े मॉल जो प्लानेट है, उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, प्लानेट बोलते हैं। तो ईयरफोन अभी यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए कि यहाँ पे साउंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो अभी देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये एक्सप्लानेट है, तो उड़ीसा का सबसे बड़ा मॉल है ये। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और मस्ती करेंगे, बहुत सारा मस्ती करेंगे। तो आइए और चलते हैं अंदर। और आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो करते ही रहते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मैं सामने से एक पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके दिखा दूँगा आपको। और अभी जस्ट कुछ महीने हुए हैं ये मॉल मतलब बन के खड़ा हुआ है और रसूलगढ़ स्क्वायर में है, भुवनेश्वर में। और बहुत ही बढ़िया मॉल है और बहुत ही बड़ा मॉल है, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मॉल है उड़ीसा का भी, और इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट मॉल है इस प्लानेट। और सिनेपोल्स वगैरह भी है। तो अभी मैं ये बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये है एस्प्लेनेड, तो द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल ऑफ भुवनेश्वर एंड एज वेल एज ऑफ उड़ीसा और द सेवेंथ लार्जेस्ट मॉल ऑफ इंडिया। तो 10 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर बना है ये मॉल, बन के खड़ा हुआ है। सिनेपोल्स वगैरह भी है और बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम अंदर जाके देखेंगे। और भुवनेश्वर के रसूलगढ़ स्क्वायर में है। तो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड तक देखिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं अंदर, मेरे दोस्त जो लोग जा चुके हैं पार्किंग के लिए वो चले गए हैं और मैं अभी चल के जा रहा हूँ। तो अंदर चलते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा है। तो ऐसे ही नहीं बोलते इसको, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और उड़ीसा का सबसे बड़ा मॉल। तो चलते हैं देखते हैं अंदर क्या क्या है। मैं ये पहली बार आया हूँ और अभी तक तो आने का मौका नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला। तो आज संडे है, तो फिलहाल आज तक मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो 31 मार्च 2019 आज का डेट है, तो आज तक के लिए तो फिलहाल ये उड़ीसा का सबसे बड़ा मॉल है। आगे का तो पता नहीं है गवर्नमेंट का क्या क्या प्लान है, क्या कुछ है। तो देखते रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये देखिए अभी हम आ गए हैं यहाँ पे और अंदर चल रहे हैं, और आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और मिलके एंजॉय करते हैं, मिलके मस्ती करते हैं। इसका एंट्री का जो पार्ट है एंट्रेंस का है, इस टाइप का कुछ बना हुआ है, डिज़ाइन है उसका, देख सकते हैं आप, इस टाइप का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। और चलते हैं हम अंदर चलते हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी अपने दोस्तों का, वो आ रहे हैं अभी पार्किंग करके बाइक को। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो अभी फ़िलहाल हम एंटर कर चुके हैं अंदर और ये खड़े हैं मेरे दोस्त। अभी हम घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे मॉल को, देखेंगे कैसा है, कैसा बना हुआ है। पहली बार तो आए हैं अभी, अभी जस्ट एंट्री किए सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करके, और देखते हैं कैसा है। और बहुत कुछ है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि 360 डिग्री वीडियो लेके दिखाने के लिए आपको। तो देखते हैं, देखिए कैशियो का है, खादिम्स वगैरह का है, मेट्रो रिलायंस डिजिटल है, बहुत कुछ है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं बना हुआ है और ऐसे ही नहीं बोलते इसे उड़ीसा का सबसे बड़ा मॉल है, ऐसे ही नहीं बोलते। तो देखते हैं क्या होता है। और बहुत दिनों के बाद मैं अभी वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, छुट्टी है तो टाइम थोड़ा मिला है, संडे है। सो अभी ऊपर हम चल रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है और क्या क्या कुछ नया मिलता है ये भी देखते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अभी चल रहे हैं ऊपर मशीन पे, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम चल रहे हैं।
लॉन्च किया है। और यूएस पोलो का है कमल वाचको, लैटिन कटर्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं। चलते और एक फ्लोर है आई थिंक ऊपर चलने के लिए, कैसा है देखते हैं। और आपको अगर ये सर्च करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और ये अब भुवनेश्वर से जो है वो जानते होंगे, ये रसूलगढ़ स्क्वायर पे है मॉल एस्प्लेनेड। और नेट पे मार के भी, गूगल मैप पे आ सकते हैं या फिर किसी को पूछ के भी आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ नया है और क्या कुछ नया कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। और 360 डिग्री वीडियो मैं लेने की कोशिश करूँगा, तो लेट्स सी। और बने रहिए वीडियो पे और आगे पूरा देखते रहिए आखिरी तक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंच सके। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने वाला हूं मैं आगे, ऐसे ही जाके बहुत अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा, इन्जॉय भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अब तक के तो एक बड़ा सा थम्सअप दे के लाइक कर दीजिए। और कमेंट्स करना मत भूलिए कैसा लगा। और आप अगर कुछ ज़्यादा जानते हैं, पहले आ चुके हैं यहाँ पे, तो ये भी बता सकते हैं आप कमेंट्स करके। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, भाई को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं आगे चलते हैं, और एक फ्लोर ऊपर जा रहे हैं अभी। यहाँ पर बिंग ह्यूमन का है और लेवीज़ का है, तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर क्या क्या ज़्यादा कुछ अच्छा है। और देखते हैं यहाँ पे रिलायंस का ट्रेंड है, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो मेरा कैमरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है तो, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और नॉर्मल कैमरा है, सिर्फ HD का है। तो यहाँ पे जॉकी का है, इंडियन टेरेन या कुछ ऐसा है, ये ऑक्सबर्ग का है कुछ। चलते हैं देखते हैं, आप भी कभी आ सकते हैं यहाँ, यहाँ अगर हैं लोकल के हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, तो घूमने के लिए अच्छा डेस्टिनेशन है, तो आ सकते हैं कभी। USPA का किड्स का है कलेक्शन, रंगरीति है, बहुत सारे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए और शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे देखूँगा मैं, ट्राई करूँगा एक 360 डिग्री वीडियो बनाने के लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं मैं 360 डिग्री वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल से बनाने के लिए। सेकेंड फ्लोर है आई थिंक, उस टाइप का कुछ है, अच्छा डिजाइन है। और ऊपर से कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो सेकेंड फ्लोर पे है, ये फर्स्ट फ्लोर है और वो ग्राउंड का है। ऊपर से कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दिख रहा है आपको। अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर, अभी सेकंड फ्लोर पे कुछ है ये लाइफस्टाइल और पीटर इंग्लैंड वगैरह कुछ। थर्ड फ्लोर देखते हैं, और सिनेपोल भी आई थिंक ऊपर या यहीं पे है, देखते हैं क्या। चलते हैं, अभी पहुंच गए थर्ड फ्लोर पे, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या है कुछ। पे कुछ बच्चों के खेलने के लिए कुछ है, अरेंजमेंट्स की गई है और कुछ अच्छा खासा लग रहा है। ये सब छोटे बच्चे खेलने के लिए ये किया गया है, तो एंजॉय बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए किया गया, तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस टाइप का है कुछ, 360 डिग्री एंगल से अगर लेते हैं तो इस टाइप का कुछ होता है, देख सकते हैं आप। ये प्ले जोन है ओनली फॉर किड्स, तो
टॉनी लैंड है ये, और प्ले जोन भी लिखा हुआ है। बच्चों के लिए भी, बच्चों को आग के आगे रख के देखा गया, उनके एंजॉयमेंट के लिए भी बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बोर नहीं होंगे, तो बुजुर्ग लोगों से लेके नॉर्मल किड्स तक सबके लिए एंजॉयमेंट का कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया हुआ है और अच्छा है। चलते हैं आगे, और मेरे दोस्त यहाँ आगे चल चुके हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पे टाइम जोन पे हम जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या है। तो लेट्स सी, यहाँ पे टाइम जोन पे गेम वगैरह खेले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों से लेके आदमी सब एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए दिखाता हूँ आपको, टाइम जोन है यहाँ पे, गेमिंग वगैरह के लिए है, गेम वगैरह खेलते हैं सब, सब लोगों के लिए है, एक लिमिटेशन वैसा कुछ नहीं है नहीं। और साउंड्स वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे, तो थैंक गॉड मैं लाया था अपना ईयरफोन। यहाँ पे देख सकते हैं आप बोलिंग वगैरह कर रहे हैं, हर तरीके का गेम के लिए यहाँ पे है, सब कुछ अरेंज किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी है ये और साउंड हो रहा है। वीडियो को एडिट करने के बाद ही पता चलेगा, देखता हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ और आपको 360 डिग्री वीडियो देने के लिए, बने रहिए। और अगर कुछ है आपके मन में तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, और अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देख सकते हैं ज़ॉम्बी को शूट कर रहे हैं वो गेम में, पानी के थ्रू गुलाब करके मारने के लिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम है यहाँ पे, गेम जोन में, प्ले जोन में यहाँ पे सब खेल रहे हैं, हर तरीके का गेम, ऑलमोस्ट हर तरीके का गेम अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको जो पसंद आया उस हिसाब से वो खेल सकते हैं। लेकिन बहुत ही नॉइजी है ये, बहुत ही साउंड्स बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं, लेकिन बहुत ही नॉइजी एरिया, पूरा साउंड वगैरह बहुत है यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हैं सब एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से गेम पकड़ के एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दोस्तों के साथ आए हैं, कोई फैमिली के साथ आया है, कोई सिंगल आया है, सिंगल तो फिलहाल लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई भी, बने रहिए आगे वीडियो पे। तो ये हम खड़े हैं थर्ड फ्लोर पे, और फाइनली वो नॉइजी जोन से निकल के आ गए, वहाँ से जो प्ले जोन है वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ से थर्ड फ्लोर से, और लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और एक फ्लोर है यहाँ पे शायद ऊपर, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स वगैरह होगा, सिनी पोल्स वगैरह होगा, तो कोशिश करता हूँ वहाँ पे जाने के लिए, अलाउड है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। चलिए चलते हैं, जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे, यहाँ पे सिनी पोल है, तो देख सकते हैं जैसे कि आप, और अंदर अलाउ करते हैं कि नहीं पता नहीं है, जाके देखते हैं, अगर नहीं अलाउ किए तो नीचे चले जाएँगे। आगे हम फिलहाल, यह है सिनी पोल, और ये आ गया यहाँ पे बॉक्स ऑफिस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह है, और ये है बैक कैमरा से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, और अंदर शायद कुछ चल रहा है मूवी वगैरह, साउंड्स वगैरह यहाँ पे आ रहा है, और फोर्थ फ्लोर से कुछ इस टाइप का दिखता है नीचे का सीन जो है। यहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और KFC है, और कुछ है पिज्जा हट्स वगैरह हैं शायद। और ये रहा यहाँ पे सिनी पोल, यहाँ पे देख सकते हैं आप,
तो अगर आप आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके अनिल की मस्ती का। और भी कुछ देखेंगे हम नीचे चल के, देखते हैं क्या क्या है, क्या कुछ है यहाँ पे। तो बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या फिर कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो भी कमेंट्स कर सकते हैं आप। तो देखते रहिए वीडियो को आखिरी तक। नीचे जा रहे हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ खाना वाना ऑर्डर करेंगे या खाएंगे कि नहीं सोचेंगे। चल रहा हूँ, मेरे दोस्त भी खड़े हैं बाजू में, चलिए देखते हैं। निकल रहे हैं फूड जोन से, देखते हैं आगे क्या है, कुछ देखेंगे अगर नया कुछ है तो देखेंगे। तो लन वगैरह भी है नीचे, वहाँ पे जाके बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे और वीडियो वगैरह शूट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बने रहिए वीडियो के साथ और आखिरी तक देखते रहिए। हम निकल आए हैं वहाँ से, मॉल से, यहाँ पे थोड़ा लन में बैठेंगे, कुछ देर गप्पे शप्पे लड़ाएंगे और उसके बाद पार्किंग में जाके बाइक लेके फिर निकल जाएंगे। अभी निकल रहे हैं लन, देखिए यहाँ पे बैठेंगे, कुछ मस्ती वगैरह करेंगे और उसके बाद घर के लिए रवाना होंगे और आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो चलिए देखते हैं, और देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे और वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक, लास्ट तक। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हो गया आज का ख़त्म। मॉल घूम लिए और देख लिए सब, और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और कुछ मस्ती करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अभी निकल रहा हूँ घर को, तो बने रहिए चैनल पे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो बड़ा सा थम्स अप देके लाइक कर दीजिए, और कुछ है जानने के लिए या फिर आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं कमेंट्स करके नीचे, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अभी निकलता हूँ, बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर टू ऑल, टेक केयर एंड जय जगन्नाथ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।